एडीना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका भोपाल रोड सागर मध्य प्रदेश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत गुरुवार को देश भर के स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें MP के सागर शहर का देश भर में 43वां स्थान लगा है, वहीं प्रदेश में 13वां स्थान मिला है। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। वहीं पिछले साल की तुलना में सागर ने इस साल 5 स्थानों की छलांग लगाई है, क्योंकि 2019 में सागर का 48वां स्थान लगा था। इसको लेकर नगर निगम की कमिश्नर RP अहिरवार ने स्वच्छता में सहयोग करने और अपनी सक्रिय भागीदारी करने वाले शहरवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के रहवासियों की मदद से ही रैंक यथावत रखने और 5 पायदान ऊपर आ सके हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ऐसे हर शहरवासी जन आंदोलन के रूप में सक्रियता दिखाएं, ताकि और अच्छी रैंक हासिल हो सके। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट जो है आज डिक्लेयर हुआ है भारत सरकार के द्वारा, और उसमें जो नगर पालिक निगम सागर है उसको मध्य प्रदेश में 11वीं एवं ऑल इंडिया में 43वीं रैंक प्राप्त हुई है। ये इसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी हमारे नागरिकों को, हमारे सभी रहवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान जो सहयोग किया गया और जो सक्रिय भागीदारी निभाई गई है, उसके कारण ही हम लोग एक तो अपनी पुरानी रैंक को यथावत रख पाए और उसमें 5 पायदान का हम लोगों ने छलांग भी लगाई है। पिछले साल हम लोग 48वें नंबर पर थे, इस बार 43वें नंबर पर ऑल इंडिया में आए। परंतु मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि ये अभी जो रैंक है हमारी, ये नेशनल लेवल पर देखा जाए तो बहुत कम है, और हम लोगों को सभी को सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने शहर को स्वच्छ रखना है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा, और हम में से हर शहरवासी को ये मानना पड़ेगा कि ये शहर मेरा है, और इसकी यदि अच्छी रैंक आती है तो हमारे लिए आत्मसम्मान की बात होगी, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्निशन होता है तो हम सभी को अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम इतना सहयोग अभी से शुरू कर दें कि कचरा को खुले में नहीं फेंकेंगे, कचरा गाड़ी में ही कचरा देंगे, तो हम अपने परिवेश को बहुत हद तक स्वच्छ रख पाएंगे। साथ ही साथ एक और बात आती है कि हम होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं क्या? यदि हमारे पास जगह है, कुछ पौधे लगाने की जगह है, तो हम एक मटका खाद बना करके जो गीला कचरा घर का होता है उसको घर के अंदर ही रिसाइकिल कर सकते हैं और खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक तो हम कचरा बाहर फेंकने से बच जाएंगे, साथ ही साथ जो हम खाद बाहर से खरीदते हैं उसको हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी और हमें घर में ही खाद प्राप्त हो जाएगी। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि 4R के सिद्धांत पे हम सभी को काम करना होगा। 4R का मतलब होता है कि जो कचरा उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करें, हम रीयूज करें, रिसाइकिल करें, या फिर हम रिफ्यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, यदि मार्केट में हमें कोई सिंगल यूज़ पॉलीथीन दे रहा है तो हम रिफ्यूज़ करें उसको। यदि कोई हमें अनावश्यक रूप से 4-5 कैरी बैग दे रहा है, कुछ और ऐसा सामान हमें दे रहा है, तो हम उनको रिफ्यूज़ करें, सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर हम लेंगे ही नहीं तो कचरा हम नहीं फैलाएंगे। तो हमें इस 4R के सिद्धांत पर काम करना होगा। साथ ही साथ हमारे, जैसे मैं देख रहा था कि कई लोगों ने जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बाल्टियां हैं, उनको फेंकते हैं, तो नालियों को चोक करते हैं, उनको हम अलग अलग से डिजाइन के तरीके से वेस्ट टू जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो गमले बनाए हैं, उनको घरों में टांगा है और बड़े आकर्षक तरीके से टांगा है। आज हमने ऐसे 2 लोगों को प्रशंसा पत्र भी दिए हैं। तो इस प्रकार से जब सक्रिय भागीदारी होगी हमारे सभी नागरिकों की, तो हमारे शहर को अच्छी रैंक प्राप्त होगी। स्टार रेटिंग में हम जरूर पिछड़े हैं, हमें कोई भी स्टार रेटिंग नहीं मिली, इस कारण से हमारी रैंक पीछे रही, अन्यथा हम सभी पैरामीटर्स पे अच्छे हैं। तो हमारा इस बार जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, वह प्लांट का लोकार्पण माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। हमें अगली बार, चूँकि उस प्लांट के भी मार्क्स मिलेंगे, तो हमारी रैंक अच्छी होने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। तो मैं सभी हमारे शहरवासियों से विनम्र अपील करता हूं कि स्वच्छता अभियान को अपना खुद का अभियान समझें। हम हर घर को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा सागर स्वच्छ रहेगा। साथ ही साथ, चूँकि कोविड का दौर चल रहा है, कोविड-19 का संक्रमण लगातार फैल रहा है, यदि हम स्वच्छता बरतेंगे तो संक्रमण का फैलाव भी कम होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडीना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल।
बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए, शहर के शोरगुल से दूर बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।